झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने वालों में कांग्रेस के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर टीएस सिंहदेव ने झीरम घाटी को एक साजिश करार देते हुए कई सवाल उठाए। वहीं इस घटना में किसी तरह अपनी जान बचाकर लौटने वाले लोग नाराज भी दिखे। उन लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो वहीं कांग्रेस के शिव ठाकर ने यह भी कहा कि आज भी उनके बदन में गोलियों के छर्रों के निशान हैं। मैंने स्वयं भी कमीशन के सामने रखे थे, आज वो कमीशन की जानकारियां अभी तक क्यों नहीं है। और अगर आपको